हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला एक फ्री सर्वर माइंड क्राफ्ट यूजिंग एटरनास तो आपको बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करना है एंड उसके बाद आप भी बना पाओगे एस एम इन माइंड क्राफ्ट तो फटाफट वड़ से इस वीडियो को लाइक करो एंड चलो यार एस को बनाते हैं स्टार्टिंग तो में आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है तो यार मेक श्योर sure करना है कि जो ब्राउजर है उसके अंदर कोई एड ब्लॉकर नहीं होना चाहिए तो आप क्रोम का यूज कर सकते हो बेसिकली एंड यार आप इसको सी एंड मोबाइल दोनों के अंदर बना सकते हो तो अगर आप मोबाइल का यूज करते हो ना तो आप मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप साइट वाला एक ऑप्शन होता है उसे आप इनेबल कर देना तो जैसे मैं सेम टू सेम बना रहा हूँ फिर आपको ऐसी वर्क करेगा तो सबसे पहले आपको सर्च करना है Aternos, अपने सर्च बार पे। देन आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिल जाएगी एंड इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। so यहाँ पे आपकी साइट ओपन हो जाएगी एंड पे प्ले पे क्लिक करना है तो so हम यहाँ पे साइन अप करने वाले स्टार्टिंग में तो so इसमें इस आपको सबसे पहले एक यूजर नेम सेट करना पड़ता है यूज कर सकते हो मतलब कुछ यूनिक यूजर नेम होना चाहिए तो मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ यूजर नेम वैलड है एंड देन यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देना एंड यार आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे बिना गूगल के वो करके दिखा रहा हूँ तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा सो तो आप कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर सकते हो एंड आपको यह पासवर्ड यहाँ पे रीटाइप कर देना है एंड दे साइनअप कर सकते हो एंड मेरा यहाँ पे साइन अप हो चुका है एंड आपका ऑप्शन आ चुका है क्रिएट सर्वर का सो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है सर अब आपके पास यहाँ पे एक चॉइस है कि आप जावा एडिशन के अंदर सर्वर बनाना चाहते हो या फिर एमसीपी का सर्वर बनाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे पहली बता देता हूँ अगर आप जावा का सर्वर यहाँ पे बनाते हो ना तो आप लोग जावा के बिल्ड्स यूज कर पाओगे सर्वर के अंदर एंड आप लोग प्लग का यूज करके एमसीपी से भी ज्वाइन कर पाओगे लेकिन अरे सेम बेड्रॉक के साथ नहीं होता है अगर आप बेड्रॉक एडिशन के यहाँ पे सर्वर बनाते हो ना तो आप लोग यहाँ पे जावा से ज्वाइन नहीं कर पाओगे मतलब जावा एडिशन वाले लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके सारे फ्रेंड्स एनसीपी वाले हैं तो आप लोग इस वाले सर्वर को बना सकते हैं एनसीपी वाले को एंड अगर आपके फ्रेंड्स कुछ मिक्स मतलब कुछ जावा यूज करते हैं या फिर कुछ एनसीपी यूज़ करते हैं तो आप लोग जावा एडिशन का सर्वर बनाना अब आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है सर आप लोग का यहाँ पे सर्वर का बेस बन चुका है एंड आप लोग इस सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जावा का यूज कर रहे हो तो सर एनसीपी को ज्वाइन करवाने के लिए आपको इसमें पहले लगिंग्स ऐड करने पड़ेंगे सर उससे पहले आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ सर्वर की आपको क्या क्या रखनी चाहिए तो फर्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन में आ जाना है एंड देन आप यहाँ से अपना सर्वर नेम एंड डोमेन चेंज कर सकते हो एंड आप लोग यहाँ पे अपने सर्वर के नीचे का टैगलाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो मतलब जो नीचे पे लिखा हुआ है ना टैग का उसे भी आप चेंज कर सकते हो एंड उसे बहुत सारे यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया अभी पे अलग सा एंड देन आप इसे यहाँ से सेव कर देना सो यार नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सर्वर प्रॉपर्टीज है सो so, हम इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ से सर आपको एटरनोस के अंदर बस दो जी बी रैम मिलती है सो so, आप लोग ट्वेंटी प्लेयर्स तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे एक साथ लेकिन अगर आप इससे चार से पाँच लोग खेलते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा एंड अगर आप चार से ज्यादा लोग खेलते हो तो भाई लैग देखने को मिल सकता है क्योंकि एक फ्री सर्वर है तो so, आप इसे बेसिकली यहाँ से डिक्रीज करके फाइव पे ले आना एंड इसको यहाँ पे सेव कर देना आप इसे टेन भी रख सकते हो एंड नेक्स्ट है व्हाइट लिस्ट का ऑप्शन सर वाइट लिस्ट का ऑप्शन बहुत सही काम करता है अगर आप बस अपने फ्रेंड्स से खेलना चाहते हो तो आप लोग उनका यूजर नेम वाइट लिस्ट कर सकते हो प्लेयर वाले कॉन्सोल से तो आपको से इस पर टाइप करना पड़ेगा उनका यूजर नेम जो भी होगा जैसे मेरा प्रीमियम जीरो है यहाँ पे टाइप करूंगा एंड ये मेरा एड हो जाएगा तो जैसा कि मेरे यहाँ पे यूजर नेम और व्हाइट लिस्ट हो चुका है तो मैं इस यूजर नेम वाले अकाउंट से ज्वाइन कर पाऊंगा तो आप लोग को बस ये ऑप्शन ऑन रखना है एंड देन बस वाइट लिस्ट वाले जितने प्लेयर्स होंगे वही ज्वाइन कर पाएंगे उनके अलावा कोई सर्वर को ज्वाइन नहीं कर पाएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक सेम ऑप्शन भी है ओपीस का मतलब आप सर्वर के अंदर किसको ऑपरेटर देना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको बस अपने फ्रेंड या फिर अपना यूजर नेम टाइप करना है एंड आप सर्वर के ऑपरेटर बन जाओगे आप ऑपरेटर को इन गेम भी हटा सकते हो एंड उसका यहाँ सेटिंग से भी हटा सकते हो सर मैंने आपको व्हाइट लिस्ट एंड ओपी समझा दिया है इंडेक्स यहाँ पे ऑप्शन है बैन प्लेयर्स एंड बैन आईपी का सर आप यहाँ पे प्लेयर का यूजर नेम एंड आईपी का यूज करके प्लेयर्स को बैन कर सकते हो अपने सर्वर के अंदर आने से सर नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है क्रैक का अगर आप और आपके फ्रेंड कोई क्रेड को वर्जन यूज करते हैं माइंड क्राफ्ट जैसे कि टी लॉन्चर हो गया या फिर मोडेबिकी वगैरह हो गया तो आप लोग इस ऑप्शन तो को ऑन कर देना फिर वो लोग भी इसके कर पाएंगे सर so आप यहाँ से नेदर को भी ऑन या ऑफ कर सकते हो सर अगर आप लोग यहाँ से ऑफ करते हो ना तो आपके सर्व पर थोड़ा बहुत कम लोड पड़ेगा क्योंकि यार नेदर का एरिया ना बहुत स्टोरेज खाता है सो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो सर बाकी ऑप्शन कुछ काम के नहीं है सो आप लोग इनको देख सकते हो अपने हिसाब से सर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्सोल का सर कॉन्सोल तब ऑन होता है जब का सर्वर ऑन होता है एंड आप लोग बहुत सारे कमांड्स टाइप कर सकते हो एंड अपने सर्वर को एडिट कर सकते हो सो नेक्स्ट ऑप्शन पे सॉफ्टवेयर का सो so, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सेटिंग आपके सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आपके सर्वर का परफॉर्मेंस एंड लैग वगैरह डिसाइड होगा सो आप लोग को पे इतने सारे मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के सर so, इन सभी में से सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, है पुरपुर बकेट का सर so, जो पुर -पुर है ना ये पेपर का ये एनहांस्ड वर्जन है सर so, इसके अंदर पेपर के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर भी है एंड इसको ऐसा डिजाइन किया गया ना कि आपको जो गेम चेयर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है तो देन आपको इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है

1.20.2 तक मतलब इनके बीच के सारे वर्जन यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे एंड इनके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है सर आप लोग यहाँ फाइल्स में जाकर प्लगइन्स में जाकर यहाँ से चेक कर सकते हो अपना पास यहाँ पे प्लगइन्स आपने डाल रखे अपने सर्वर के अंदर एंड यहाँ पे हमारा गीजर वाला प्लगइन ये रहा सर नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड्स का सर तो आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड को यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो इसका नाम यहाँ पे वन रख देता हूँ so, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई स्पेशल सीड है तो so आप लोग उसके यहाँ पर टाइप कर सकते हो वरना आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ देना यहाँ पे रैंडमली कोई भी सीड आ जाएगा एंड यार आप यहाँ से अपने वर्ल्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हो जैसे कि हार्ड को रखना है या फिर नहीं रखना है आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड देन यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर देना थोड़े से टाइम में ही आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंड अगर आप लोगों के पास कोई वर्ल्ड की फाइल है अपने पास पहले से तो आप लोग यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके उसे यहाँ से फोल्डर या फिर जिप फाइल यहाँ से उसे ड्रैग कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप का सर यहाँ से आप सिंपली अपने सर्वर को बैकअप कर सकते हो सर आप लोग अपने यहाँ से मतलब जो ईमेल अकाउंट है यहाँ पे एड कर देना है तो आप लोग यहाँ पे एटरनोस के बैकअप में एड हो जाएगा सो तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैकअप एड नहीं करते हो ना तो कभी कभी क्या होता है कुछ एरर वगैरह आ जाता है एटरनोस के अंदर या फिर कोई सर्वर के अंदर एरर आ जाते हैं तो उससे आपका जो वर्ल्ड है ना डिलीट हो सकता है तो उससे बचने के लिए आप लोग अपने सर्वर को ई मेल आई से कनेक्ट कर देना एंड उसका बैकअप ऑन कर देना एंड जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है एक्सेस का सर आप लोग इस ऑप्शन की हेल्प से ना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अपने जो सर्वर का एक्सेस है उसे शेयर कर सकते हो आप लोग को बस यहाँ पे उसका यूजर नेम टाइप करना है आप लोग उसका वाला यूजर नेम टाइप करना है जो उसने एटोनोज की साइट पे ना साइन अप करते टाइम डाला होगा आप लोग उसका वाला यूजर नेम डालना है तो जैसे मेरी पुरानी आईडी का यूजर नेम था एक्वेनियम तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा एंड मैं एड पे क्लिक कर दूंगा तो इससे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली उस पर एक्सेस चले जाएगा सर so, आप लोग मतलब अपने मॉडरेटर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को पूरा यहाँ से परमिशन वगैरह दे सकते हो मतलब उनके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए सर्वर की अगर आपके कोई बस ऑनलाइन फ्रेंड है तो आप लोग उनको बस स्टार्ट का दे सकते हो एंड स्टॉप एंड रीस्टार्ट का उनको एक्सेस दे देना तो इतना काफी रहेगा उनके लिए एंड वो इजिली यहाँ पे सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे एंड सर्वर को ओपन एंड क्लोज कर पाएंगे अपने यूजर नेम की हेल्प से एंड देन आपको इसे यहाँ पे बस सेव कर देना है तो so आप लोग इसे बाद में यहाँ से एडिट कर सकते हो सो so उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सर so, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है सर्वर के अंदर जो जो हो सकती है सर so, अब बारी रही यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करने की तो so, स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली अपने सर्वर वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड देन आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है सर so, आप लोग को यहाँ पे एक शो होगा तो आप लोग उसे यहाँ से हटा देना येस आई एक्सेप्ट द दूला सो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कंफर्म नाव पे सर so, सर्वर यहाँ पे पूरा का पूरा लोड हो चुका है सो so, लास्ट में आपको यहाँ पे स्टार्ट दबा देना है सो so, इससे पहले सर्वर की सारी फाइल्स लोड हो रही थी ऑनलाइन एंड अब यहाँ पे आपको सर्वर स्टार्ट होने वाला है सो so, यार सर्वर की एंड पोर्ट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे सर्वर की आपकी आई एंड ये आपका पोर्ट है सो so, जैसे ही आपका सर्वर यहाँ पे ऑनलाइन आ जाता है देन आपको यहाँ से सिंपली अपना आईपी को कॉपी कर लेना है तो मैं यहाँ से आई पी कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आपको गेम के अंदर आना है फिर यहाँ जाएंगे हम मल्टीप्लेयर एड अ सर्वर एंड यहाँ पे आपको आई पी पेश करनी है डॉट मी सर्वर नेम आप चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी है इसका नाम मैं आपको वन रख देता हूँ तो यहाँ पे सर्वर यहाँ पे आ चुका है एंड अभी यहाँ पिंग हो रहा है सो तो सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 168 यहाँ पे मेरा पिंग आ रहा है जो आप इस अपने सर्वर को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली तो ज्वाइनिंग वर्ल्ड यहाँ पे हो रहा है एंड लोडिंग तो मैंने पे सर्वर को ज्वाइन कर लिया है एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सब कुछ बढ़िया सा वर्क कर रहा है एंड सर इतना इजी है सर्वर को क्रिएट करना जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो तो मैं वुड को ब्रेक करके देख लेता हूँ ओके okay, ये बुट यहाँ पे बिल्कुल मतलब परफेक्टली ब्रेक हो गया था सर आप लोग सेम तरीके से एमसीपी से भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग को बस वर्जन का ध्यान रखना है सर अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलो अब मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय